ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्तों मिस्टर, मैं बहुत अच्छी खबर लेकर के आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। इतने दिनों से, काफी दिनों से वेट चल रहा था कि जिस वैकेंसी को लेकर एक असाइनमेंट बना हुआ था कि क्या वो आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती को लेकर के, जिसके बारे में मैं चाहता तो आपको कल भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन जब तक पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं हो जाता तो मैंने आपको कल वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाया। लेकिन आज मैं आपके लिए पूरी की पूरी न्यूज लेकर के आया हूँ, जो कि पत्रिका भास्कर ने भी इस चीज को कंफर्म किया है। इसका पैटर्न क्या होगा, राजस्थान पुलिस का पैटर्न क्या होगा, कितनी पोस्ट के लिए आई है, कि जिलेवार होगी या राज्य के हिसाब से राज्यवार होगी, मतलब राज्य लेवल पे ही एग्जाम होगी, मतलब जिले लेवल पे आज तक होती आई, इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप पहली बार ये तैयारी करने जा रहे हैं कि हम पहली बार एग्जाम देंगे या कोई ऐसा भी है कि दूसरी बार देगा, तो इससे सिलेबस कैसा होगा, ठीक है, इसमें पैटर्न किस तरीके का चलेगा और आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी सारी चीजें मैं बताऊंगा और मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गृह विभाग ने आज इस चीज के लिए क्लियरली बोल दिया है कि पहले वित्त विभाग ने इसके लिए जो है, मतलब ये चुनावों में इसके लिए कहा गया था कि 4000 वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की थी कुछ ही दिनों पहले, लेकिन उन्होंने 8000 समथिंग कुछ पोस्टों के लिए कहा था। इसके बाद में माफी चाहता हूँ अगर थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, क्योंकि जुकाम हो रखा है, तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। इसके बाद में ये हुआ कि दोनों के अंदर जैसे आपके स्वीकृत पद होते हैं वो तो 74000 समथिंग बताए जा रहे हैं पिछली बार के, और इस बार 75000 समथिंग कुछ बताए जा रहे हैं, मतलब इन्होंने कुल मिलाकर के 1600 पोस्टों समथिंग का कुछ डिफरेंस था, उसको साइड में कर करके यहाँ से मंजूरी भेजी गई थी गृह विभाग को 8000 पोस्टों के लिए, लेकिन वहां से मंजूरी मिली सिर्फ 5000, मतलब 5000 पोस्टों के लिए। तो ये मंजूरी कंफर्म मिल चुकी है और ये वैकेंसी आने के पूरा रास्ता साफ हो चुका है। सारी डिटेल से पहले मैं बता दूं कि सर ये वैकेंसी कंफर्म आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी, कब आएगी, तो मैं बता दूं कि अगस्त के महीने में ही इस वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। दूसरी बात सर, इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा, तो इसके सब्जेक्ट से पहले मैं नॉर्मली आपको बता दूं, इसमें रीजनिंग और जीके ही दो मेन रहेंगे, जीके और प्लस जीएस, उसमें और कुछ भी मेन नहीं होगा। इसके अलग अलग भाग होंगे, जो एक सब्जेक्ट का वीडियो मैं बना करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में ये बात आती है कि सर इसमें सबसे मेन क्या होता है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें सबसे मेन होता है कि आप रीजनिंग को कवर करके चले, और रीजनिंग की बात आती है कि आप इसमें जीके कितना भी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये हो जाता है कोई भी नया क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन रीजनिंग अगर आपकी पावर है तो आप आराम से इस चीज़ को क्लियर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में सबसे बड़ा सवाल आता है, सर हम रीजनिंग कहाँ से करें, कैसे करें, तो दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप जयपुर से हैं और अगर आप एक कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बेस्ट करना चाहते हो, सिर्फ जैसे एक सब्जेक्ट को आपको पावर बनाना है, तो आप पर्टिकुलर टीचर से अगर पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ होता है, जैसे आप जीके लीजिए तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लीजिए, इस तरीके से आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा। आप देखिए, अगर आपको रीजनिंग करनी है तो रीजनिंग के लिए मैं बता दूं, मैंने राजस्थान पुलिस का इसी जो मंडे है, जो आने वाला मंडे है, आज 8 तारीख हो चुकी है, 8 तारीख के बाद में जो आने वाला अपकमिंग मंडे है, तो इसके बाद में आपका ये जो बैच स्टार्ट होगा राजस्थान पुलिस स्पेशल का, अभी तक बैच चल रहा है, लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल बैच चलाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको स्पेशली रीजनिंग की क्लासेज मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी दिक्कत होगी आपको हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी होगी। मतलब अगर 30 नंबर की रीजनिंग आती तो उसमें 28-29 क्वेश्चन आपके राइट होंगे, क्योंकि ये आज का नहीं, पिछले 7 साल से मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अभी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आप एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं और अपना नाम लिख करके, और आप अपनी जो भी डेट है वो मुझे बता सकते हैं, क्लियर है, या आपके पास ऑप्शन है। जो लोग बाहर से हैं उनको भी मैं बता दूँ कि आपके लिए भी मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा, जितना मुझे हो सकेगा उतना मैं आपके लिए, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कीजिएगा, जिससे अपना एक ग्रुप बहुत अच्छे से बन सके। इसके साथ आपको मैं जीके भी, चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, जीके भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। राजस्थान जीके में ए भाग बे भाग में जो गलती पिछली बार हुई थी वो आपकी गलतियाँ ना हो, इसके लिए मैं आपको सारी बेस्ट तरीके से, क्योंकि एक नॉलेज के हिसाब से जितना आपके लिए जो परफेक्ट चीज़ें हैं ना, कचरा नहीं, आपके लिए जो नॉलेजेबल जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर के मेरे साथ जुड़े रहिए। जो भी चीज़ें होंगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप और भी मुझसे बात करना चाहते हैं
सकते हैं, मुझे FB का लिंक दिया हुआ है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहां के थ्रू जुड़ करके आप मुझसे पूरी बातें कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस की 5000 जो वैकेंसियां हैं वो इसी महीने में आने वाली, अपनी तैयारी में लग जाइए और किसी की भी बातों में आकर के फेंक है ऐसा कुछ भी नहीं, आपको मैं शो कर रहा हूँ इस चीज का प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज पसंद आई होगी, कैसी लगी हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे मैसेज करके जरूर बताइए और अपने नंबर छोड़ दीजिए, गर्ल्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यह नंबर ना छोड़े, आप व्हाट्सएप पे जुड़ करके, और बॉयज भी आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप जुड़ करके मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर, इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।